माता पकड़। हाँ हाँ, खोपड़े पर अटैक करा। चक्कर आ रहा है भैंस यार। हाँ सेम। रात को गई थी और मुझे सुबह दस्त हो गई, पूरा बाथरूम भर दिया। गाइस यार, हमने जोलो चिप्स तो काफी बार खाई है और सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जो इस पे लिखा है ना, ये उतनी ही ज्यादा डेंजरस है भैया। आग लगा दी थी, आग तुमने खाई थी ना? इतनी सी खाई थी, इतनी सी गला खा रहा कुछ। अब वैसे कान से धुआं निकल रहा है, करंट दौड़ रहा है मेरा तुम्हें। मेरे भी दौड़ रहा। थोड़ी खाओगे? हां ये तो खाऊंगा। लो चलो खा जाओ। बहुत तीखी है ये तो। तीखी है? हां भाई, मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको भैया ट्राई करो। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ये है। बट क्या होगा अगर मैगी भी हमें भैया जोलो चिप्स वाली ही मिल जाए? इसको मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनी से आती है सबसे दुनिया की सबसे तीखी मैगी। ओए मंगा ले भाई, क्या मंगा ले भाई? क्यों नहीं आती? आती है ना। आती है। हाँ भैया, पर देख लेना, मंगा रहा हूँ तो खानी पूरी पड़ेगी भाई। ये चल जाएगी सपनी। ये तो सच बात है, जोलो चिप्स खाने के बाद है ना अगले दिन है ना हालत खराब हो जाती है। तो मंगा ले भाई, फिर मंगा ले भाई। गाइस अमेज़न अपना खुद का ही है, दद्दू का ही अमेज़न है। देखो दद्दू लेके भी आ गया। आ जाओ दद्दू लेके आ जाओ। खोल ले दद्दू। हम हाँ खोलो। पक्का? पक्का। चलो टाना। वर्ल्ड हॉटेस्ट मैगी, दुनिया की सबसे तीखी नूडल्स। दद्दू खाओगे? हाँ खाएंगे। पक्का? पक्का। बनाओ खाएंगे। चलो गाइस, बिना किसी देरी के इस बुलडक को बनाते हैं। ये जो हमारी नूडल्स है इसका नाम है बुलडक नूडल्स। ये 3x स्पाइसी है। यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, पढ़ लीजिए, ये इसके इंग्रेडिएंट्स है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मुर्गी बन रखी है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सच में गाइस, हमारे पेट में भी इसको खाने के बाद है ना बम फटने वाले। चलो अब इसे बनाते हैं। तो गाइस अभी हम किचन में आ चुके हैं, चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करी जाए। तो मैंने ये 5 का पैकेट मंगाया था, तो चलो इसे काटते हैं। तो गाइस इसके अंदर और सारे पैकेट आए हुए हैं यहाँ पे, और जो एक पैकेट का साइज है वो कुछ इतना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिखा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, 2 सर्विंग पर पैकेट है। तो एक के अंदर 2 सर्विंग है, मतलब 2 आदमी इसे खा सकते हैं। इससे ज्यादा ये रिकमेंड नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा खाते तो फिर टॉयलेट और आप। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी 2 पैकेट बनाने वाला हूँ, बाकी जो पैकेट बचे हैं आप आओ तो जरूर खाना घर पे आके। गाइज ये हमारी नूडल्स निकल गई है, मैगी जिसे बोल लो। तो गाइज इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे 2 चीजें और निकलती है, जिसमें से एक है फ्लेक्स और एक है इसका सीजनिंग ऑयल। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना लाल लाल लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है खून है किसी चीज का। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं फ्लेक्स को निकाल देता हूँ। ये क्या तिल निकल रहा है इसमें से? तो ये तो इसके जो फ्लेक्स थे ये वो है। देखो इसमें आप तिल और ये पता नहीं डंडी जैसी क्या चीज है, आई डोंट नो गाइस। चलो गाइस अब बारी है सीजनिंग ऑयल को निकालने की, इसे भी निकालते हैं। अबे ये क्या खून है क्या भाई, जोलो चीज में भी इतनी मिर्च नहीं आती होगी जितनी इसमें दिख रही है मेरे को भाई। स्ट्रॉन्ग है इसके जो फ्लेवर। चलो सेम इसी तरीके से इस वाले को भी खोल लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जाएगा पानी। पानी काफी हो गया, इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं फिर नूडल्स डालेंगे। गाइस यार एक चोट हो गई बहुत ही बड़ी। हम सोच रहे थे एक चैलेंज करते कि कौन सबसे लास्ट तक इस मैगी को खाने के बाद बैठा रहता, नूडल्स को खाने के बाद बैठा रहता। बट आप इस पैकेट को ढंग से देखो, इस पैकेट पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रखा है कि ये भैया नॉन वेज है, इस पे लिखा है कि चिकन फ्लेवर वाली है। ठीक है, हॉट चिकन फ्लेवर रेमन है फ्लेवर। और जिस मैंने क्या एक इन्फ्लुएंसर को देख के ये मैगी मंगाई थी, ये नूडल्स मंगाई थी, और उस इन्फ्लुएंसर ने कहा था कि भैया ये आर्टिफिशियल फ्लेवर है, मतलब कि रियल चिकन नहीं है। तो ये जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, खाते हो तुम? मैं तो नहीं खाता, नॉन वेज नहीं खाते ना हम। भैया काफ़ी देर तक संकोच में रहे कि ये वेज है या नॉन वेज है, जब तक हमने बना भी ली मैगी को भी बना ली, वो देखो मैगी बनी हुई पड़ी है।
ठीक है, इसमें कहाँ पे छुपा के यहाँ पे दे रखा है भैया, ये जो छूट हो गया हमारे साथ। तो अभी क्या करें, ये वीडियो तो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, तो हम इसका वेज में ये आती नहीं है शायद से, ये बुलडक वेज में आती ही नहीं है, दूसरा कोई है वो हम देखते हैं और मंगाएंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जब तक के लिए इस वीडियो को हम होल्ड पे डाल रहे हैं। थोड़ा कोई भी चीज़ मंगाएं तो देख के मंगाएं, किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पे ना ले लें वो चीज़। सबको ये रिकमेंड करूंगा हमारे साथ छोड़ दो। तो गाइस फिर से हमारी स्पाइसीस्ट मैगी आ चुकी है, बट अब की बार इसका वेज वेरियंट है, तो फटाक से इसको अनबॉक्स करते हैं यहीं पे। तो गाइस काफी दिन भाई इंतजार करा है इसके लिए। ये हमारा पैकेट है, ये बिल है, इसको साइड में रखते हैं। तो टोटल हमने 5 पैकेट मंगाए थे, ये है सुपर स्पाइसी। तो गाइस प्रेजेंट करते हैं आपके लिए सुपर स्पाइसी, और सबसे पहली चीज मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो ग्रीन डॉट है, जिसका मतलब ये वेज है भाई। वो वाली जो मैगी थी ना उस पे रेड डॉट था, वो वेज नहीं थी। इस मैगी के साथ हम उस चैलेंज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये मैगी भी उतनी ही स्पाइसी है जितनी ये है, दोनों एक दूसरे के बाप हैं बाप। तो गाइस ये वेज है, इसको तो मैं भी खा सकता हूँ, इसको तो मैं भी खा लूंगा, मैं तो पूरी खा जाऊंगा। तो गाइस चलो इस मैगी को फटाक से अनबॉक्स करते हैं। ये हमारी मैगी का टुकड़ा है, इसमें इतनी कुछ मैगी आ रही है। तो ये जो सुपर स्पाइसी वाली मैगी है ना, इसके अंदर एक ही सर्विंग आ रही है एक पैकेट के अंदर, और जो बुलडक वाली थी उसमें 2 सर्विंग आ रही थी एक पैकेट के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पे अपने को वही 2 मसाले मिल रहे हैं, उसमें ऑयल था, इसमें ऑयल नहीं है। जैसे मैगी का मसाला होता है ना उस तरीके का पाउडर फॉर्म है, और ये फ्लेक्स है, सेम वही चीज है, एक स्पाइसी मसाला है और इसमें एक फ्लेक्स है। तो चलो फटाक से मैगी बनाते हैं, और भैया मैगी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे देसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। तो ये पप्पर ने पानी डाला, ये अपना गैस चालू हो गया भैया, थोड़ा से गर्म होने देते हैं फिर अपन मैगी डालेंगे। तो गाइस पानी तो अपना गर्म हो चुका है, ये अपनी पहली मैगी जा रही है, फटाक से दूसरी खोलते हैं। ये अपनी दूसरी मैगी, ये अपनी तीसरी मैगी, और ये लास्ट और फाइनल चौथी मैगी। लो गाइस 4 मैगी अंदर जा चुकी है, ये 4 रैपर देख सकते हो, 4 जनों के लिए 4 मैगी बन रही है। चैलेंज बहुत ही हार्ड होने वाला है, अब मसाले डालते हैं। तो गाइस ये पहला पैकेट है अपने उस मसाले का। ओ भाई इसके अंदर तो वो मैगी टाइप का ही मसाला है, पर थोड़ा सा अलग है यार, मिर्ची मिर्ची है। मिर्ची की खुशबू आ रही है। फाइनल है चौथा। तो गाइस ये अपने 4 पैकेट मसाले के हो गए, अब फ्लेक्स निकालते हैं। फाइनल चौथा पैकेट गाइस। तो गाइस चलो फटाक से अब मसाले को डालते हैं। ये जा रहा अपना पूरा मसाला। तो फ्लेक्स डाल रहे हैं गाइस अब। हे भगवान, हे राम। दिखने में बहुत तरक्की लग रही है, खाने में भी तरक्की है, गान पड़ रही है, पसीने छूटने वाले हैं, और टॉयलेट में जो हाल होने वाला है ना वो बहुत बुरा होने वाला है सच में। तो गाइस फाइनली मैगी बनके तैयार हो चुकी है, अब 4 प्लेटों में मैं बराबर डालूंगा भाई, देख लेना है ना। गाइस आप देख लो सब में बराबर है ना, बाकी मैं कह रहा हूँ तुम तुम्हारे मन से उठा लो, कौन से उठा लो गाइस, सब में बराबर है, आप अपने 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 मन से उठा लो भाई। चलो 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 इंतजार किस चीज का कर रहे हो, चलो चैलेंज के लिए रेडी रहो। गाइस स्पाइसीस्ट मैगी। तो गाइस फाइनली हम चारों के चारों धुरंधर यहाँ पे आ चुके हैं हमारी मैगियां लेके, और सामने हमने लस्सी और डेयरी मिल्क का भी जुगाड़ कर रखा है, क्योंकि भैया सच में हम सबकी फटने वाली है भाई, बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, टॉयलेट के अंदर हमारे छूटने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक है, बम फूटेंगे, बम सबके बम फूटेंगे। यहाँ पे क्या सिंपल सा रूल है इस चैलेंज का, ये है कि जो सबसे पहले उठ गया वो हारेगा, और जीतेगा वही जिसने मैगी फिनिश करी। जीतने हारने पे कुछ नहीं मिलने वाला। चलो ठीक है, तो गाइस चालू करते हैं चैलेंज को इन 3, 2, 1। अरे खाओ, अबे जला दे क्या निर्मल, अबे कैसे खा रहा है, तीखी नहीं लग रही तेरे को? जैसे सबसे पहले आ गए आउट यार, जोलो चिप जितनी अटैक नहीं कर रही है। देखो गाइस पसीना आना चालू हो गया होगा, पर जोलो चिप जितनी अटैक नहीं कर रही।
हमने कर दिया ऐसा तो। अबे रूल भूल गया शायद। यस क्या हो तो क्या हो गया क्या हो गया रूल याद आ गया उसको। दूसरे नंबर नाक क्या रहा देखो पसीना आ गया इसका अभी तक बचा है। अभी तक किसी ने भी नहीं उठाया। अरे खा ले जलाला ले ले मेरी मैगी बढ़ती जा रही है पता नहीं क्यों। हाँ हाँ वो माता पकड़ हाँ खोपड़े पर अटैक करा हाँ सेम भाई खतरनाक नैपकिन दे हेड आई गिर जाएगा। वापिस फेंक रही है भैंस की आंख। जोलो चिप्स से ज्यादा तीखी नहीं है बट ज्यादा क्वांटिटी में है। मेन प्रॉब्लम ये जोलो चिप्स इतनी सी है पर ये इतनी सारी है खाना भारी पड़ा। तेरे को तीखी नहीं लगी? तीखी तो लगी पर कंट्रोल कर रहा था। तो हारा कौन अपने में से? गाइस भूपेंद्र हारा है उसके बाद मैं फिर भवानी और फिर निर्मल। निर्मल बाद में मिलता है बाद में। गाइस सर्दी लगी हुई थी तो नाक बहने लग गई धोखे आता हूँ। गाइस मैंने सर पूरी खाई भी नहीं गई वापस निकलने लगी वापस बाहर। तो गाइज अभी हमें मैगी खाए हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी हम सब नॉर्मल हो चुके हैं क्यों? बिल्कुल। तो अभी मैं बताता हूँ कि भाई ये जो हमारी सुपर स्पाइसी मैगी है ये कितनी तीखी है। तो जो निर्मल है ना वो रेट डाउन करेगा इसमें से कि सबसे ज्यादा तीखी कौन है उसके बाद तीखी कौन सी है और सबसे लास्ट में तीखी कौन सी है क्योंकि निर्मल भाई साहब ने ये तीनों ही टेस्ट करी है क्योंकि इसने वेस्ट नहीं होने दिया खाने को जो बना हुआ था तो इसने सबको टेस्ट कर लिया। तो निर्मल तू बता कौन सी सबसे ज्यादा तीखी है? सबसे ज्यादा तीखी तो ये लगी क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये मैंने खाया था रात को खाई थी और मुझे सुबह दस्त हो गई। क्या करा पूरा बाथरूम भर दिया और जोलो चिप भी खाई थी पर जोलो चिप से इतना वो नहीं होता रिएक्शन बाकी जोलो चिप थी। अच्छा ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये लास्ट। ये लास्ट वैसे गाइस मैं भी सही बात बताऊं तो इतनी ज्यादा तीखी नहीं लगी। तेरे को लगी थी तीखी? नॉर्मल मतलब इससे कम है। इससे तो कम ही है तो टेस्ट नहीं किया मैंने इससे कम है। तो भूपेंद्र तेरा ये सबसे ज्यादा तीखी ये सबसे ज्यादा तीखी थी अपन ने तो यही करी है टेस्ट। तो गाइस मेरे लिए भी सबसे ज्यादा तीखी यही है ये इसके बाद बाकी आप मंगा के ऑर्डर करके देख लेना कौन सबसे ज्यादा तीखी है कौन सबसे ज्यादा तीखी नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं आपका ऐसी बेहतरीन वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय 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 बाय।